So what's up guys, well this is Dhruv Goyal, the Acoustic Baniya and today's guitar lesson is Raat, Vilen, to ek raat sung by Vilen, so kafi acha gana jam karne wale guitar par aur bahut hi zyada simple hai, sirf ek aad pattern ko hame follow karna hai पूरे गाने में, बेशक स्टैंजा हो या बीच का कोई म्यूजिक पार्ट हो या फिर स्टार्टिंग का इंट्रो, कुछ भी हो, कोरस हो, कहीं भी हो, एक ही पैटर्न को, कॉर्ड पैटर्न को हमें पूरे गाने में फॉलो करना है। सो बहुत ही सिंपल गाना है, अगर बिगनर हो तब भी, अगर इंटरमीडिएट प्लेयर हो तब भी, कैसे भी प्लेयर हो, बहुत सिंपल गाना होने वाला है। तो फिलहाल गिटार लेसन में आज के इस गाने में देखेंगे कि कैसे कैसे ये मतलब गाना पूरे इस गिटार लेसन में क्या होगा। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट गा के दिखाऊंगा, इसकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग तुम्हें बताऊंगा एंड फाइनली गाना लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम्हें अच्छी तरह से गिटार पर प्ले करना आ जाए। एंड या अगर शायद मैं भूल गया हूँ, दिस सॉन्ग स्पेशल रिक्वेस्टेड टू मी राजेश्वरी शर्मा। सो आज का गिटार लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हमें इसमें क्या क्या सीखना है। तो गाना सुनने के बाद अभी देखते हैं इसकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग। तो यार देखो, सबसे पहले हमारी कॉर्ड्स आ जाती है ई माइनर, सेकंड कॉर्ड डी मेजर, थर्ड वन सी मेजर एंड फोर्थ वन इज बी मेजर। तो ये सिर्फ चार कॉर्ड्स के अंदर हमारा गाना हो रहा है और जैसा एक पैटर्न में होने वाला है कि एक कॉर्ड पैटर्न में होने वाला है जो मैं ऑलरेडी तुम्हें इंट्रो में बता चुका हूँ। सो ये था हमारी कॉर्ड्स, ऊपर डायग्राम्स यहाँ पे तुम्हें साइड में ऑलरेडी आ रहे थे। अगर तुम्हें यहाँ से कॉर्ड्स नहीं समझ आई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो यार, वहाँ पर इन कॉर्ड्स के लिए, ओपन कॉर्ड्स, बार कॉर्ड्स, सारी टाइप की कॉर्ड्स के मैंने लिंक डाले हुए हैं अपनी वीडियोस के, तो उनको देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी हुई है। बाकी आते हैं इसकी स्ट्रमिंग पे, तो स्ट्रमिंग हमारी कुछ चलती है डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन 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 अप 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 डाउन अप डाउन। कैसे? चुराया ही क्यों जब वो तोड़ना ही था, तो डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन। चुराया ही क्यों जब वो तोड़ना ही था, दिल भी वो टूटा है जो मेरे पास नहीं। तो हमारी क्या स्ट्रमिंग रही? डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन 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 अप 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 डाउन अप डाउन, कुछ ऐसी हमारी चलेगी स्ट्रमिंग इस गाने के अंदर। एंड कॉर्ड्स ऑलरेडी बता दी, तो अभी देखते हैं इसका सॉन्ग पार्ट। ओके गाइस, सो कमिंग टू द सॉन्ग पार्ट, यार देखो गाने के अंदर ना हमारा एक पैटर्न है जो मतलब स्टार्टिंग में तो मैं बता दिया था कि सिंगल पैटर्न का सॉन्ग है, तो सिंगल कॉर्ड पैटर्न हम यूज़ करना है, विच इज ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, बी मेजर एंड बैक टू सी मेजर। ठीक है, तो मतलब ये दो लाइंस का कॉर्ड ब्रेक है, दो लाइंस होंगी, एक में आएगा ई माइनर डी, देन सेकंड में आएगा सी बी एंड सी। तो इस चीज़ को हमें यूज़ करके देखना है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे है। मतलब इस पूरे कॉर्ड पैटर्न को, ई माइनर डी सी बी सी को हमें पूरे गाने के अंदर चलाना है, बेशक स्टैंस आए, कोरस आए, इंट्रो आए, कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं, बस इसे चलाते जाना है। तो चुराया ही क्यों जब वो तोड़ना ही था, पहली लाइन हो गई। तो पहली लाइन में हमने दो कॉर्ड्स यूज करी, माइनर एंड डी, स्टार्टिंग ली माइनर से एंड एंडिंग करी डी मेजर से। दिल भी वो टूटा है सी, जो मेरे पास, पास पर बी मेजर, पास नहीं, वापस सी मेजर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, दिखाया ही क्यों जब मुंह मोड़ना ही था, ई माइनर डी, दिल सीने में हवा तो है पर वो सांस नहीं। तो वही आ गया ई माइनर डी सी बी एंड सी। अब यहां से मेरे पास नहीं है कोई साथ नहीं है जो बता दे मुझे बात ये खास नहीं। तो अभी यहां पे हमारी कोरस है, ठीक है, तो कोरस में भी हमारा क्या लग गया, ई माइनर डी सी बी सी। कैसे? मेरे पास नहीं है कोई साथ नहीं है जो बता दे मुझे बात ये खास नहीं। रिपीट, दिल उदास सही है कोई आस नहीं है, पगली ankhon की nami है ये barsaat नहीं।
अब यहाँ पर जो आता है ना हमारा गाना, अगर तुम ओरिजिनल सुनो तो यहाँ पे एकदम से बीट आती है, ठीक है, तो उसको हम गिटार पे कैसे लेकर आएंगे एक बार देखते हैं। दिल उदास सही है, कोई आस नहीं है, पगली आंखों की नमी है, ये बरसात नहीं। ये म्यूजिक पार्ट है, सेम कॉर्ड्स, डिकोड करके देखो इसको। कुछ ऐसा हमारा म्यूजिक आता है, ठीक है, तो उसी को हमने सिंपल सा कॉर्ड्स में प्ले कर दिया, जी माइनर डी सी बी सी अगेन। तो इसके बाद हमारा आता है स्टैंजा पार्ट, तो स्टैंजा पर नजर डाल लेते हैं, हालांकि सेम कॉर्ड्स का पैटर्न हमारा वहां भी चलेगा, तो उसको एक बार देख लेते हैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि तुम्हें कोई डाउट ना रहे यार। ओके गाइस, सो कमिंग टू द स्टैंजा पार्ट, स्टैंजा के अंदर हमारा सेम पैटर्न जैसा मैंने तुम्हें कहा, कैसे मैं भी न जाने कहाँ खो गया था, कहाँ पर आ जाएगी डी, उससे पहले ई माइनर। सो मैं भी न जाने कहाँ खो गया था, जिंदगी भी मुझसे खफा हो गई, वही सी बी सी, जिस दिन से इस दिल ने खुद से मोहब्बत, ई माइनर डी, तो जिंदगी भी मुझ पे फिदा हो गई, सी डी सी अगेन। देन इसके बाद हमारा भाई, मेरे पास नहीं है कोई साथ नहीं है, जो बता दे मुझे बात ये खास नहीं। तो यार हमारा बेसिकली आगे का सारा गाना, यहाँ तक कि हमारा जो सेकंड स्टैंजा भी आएगा, आंखों में धुआं था मैंने देखा ही नहीं, इसमें बस क्या है स्ट्रमिंग को स्लो डाउन कर देना, जैसे आंखों में धुआ था मैंने देखा ही नहीं, खुशी पीछे ही थी खड़ी दावे ये हंसी, देवी बोला सुन बाबरे अखियों के दुश्मन। मतलब टेम्पो हमारा सेम है, बट स्ट्रमिंग को हमने थोड़ा सा स्लो कर देना है, क्योंकि गाने के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सॉन्ग एकदम से स्लो डाउन सा, मतलब हल्की सी चेंज आती है मूड के अंदर, तो उसको हमें थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए चाहो तो कर सकते हो, बेशक वरना रहन देना, कोई इतना कंपलसरी नहीं है, बट हाँ अच्छा लगेगा। बाकी इसमें बीच में हमने चेक दिया म्यूजिक ले, और थोड़ा बहुत स्लाइड्स का यूज़ करते रहना, स्लाइड से काफ़ी अच्छा लगेगा गाना, क्योंकि थोड़ा सा सैड सॉन्ग ज़रूर है, लेकिन एक हल्का सा इसमें पॉप म्यूज़िक टाइप भी है, जो ये बीच में सारा हमारा म्यूज़िक आ रहा है, बेस ड्रॉप आ रही है, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए थोड़े बहुत स्लाइड्स हो गए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अकूस्टिक पे। सो दैट्स ऑल फॉर द सॉन्ग टुडे गाइस, मतलब गाना हमारा बहुत ही सिंपल था, ई माइनर डी सी बी सी को हमने पूरे गाने के अंदर चलाना था, और कुछ नहीं करना था, से एक ही स्ट्रमिंग रखी, एक ही कॉर्ड पैटर्न रखा, और ये पूरा गाना खत्म हो गया। तो बेसिकली बहुत ही ईजी गाना था सभी लेवल के गिटार प्लेयर्स के लिए। तो अगर यार वीडियो पसंद आया और ये गाना तुम्हें प्ले करने लायक रहा, तुम्हारे लिए मतलब प्ले कर पाए इस गाने को, सो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर बनता है, लाइक करो शेयर करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, और नए हो तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आगे आने वाले गिटार लेसन एंड कवर्स तुम्हें मिलते रहे, उनकी नोटिफिकेशन तुम्हें जल्द से जल्द पहुंचती रहे। बाकी काफ़ी लोगों ने घंटी बजा रखे, तुम रहते हो तो वो भी कर देना फटाफट से। बाकी मैं चलता हूँ, कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, उनको देख लूँगा पढ़ लूँगा जैसा भी हो पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।